मूवी की शुरुआत में हम लोगों को चेरीफॉल नाम की एक छोटी सी जगह दिखाई जाती है, जिसके एक जंगल में दो कपल इंटीमेट होने के लिए जा रहे थे, जिसमें से लड़के का नाम रॉड था और लड़की का नाम स्टेसी। और अब रॉड और स्टेसी एक कार में इंटीमेट होने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, तभी अचानक से यहाँ पर एक और कार आ जाती है, जिसके अंदर एक खौफनाक औरत बैठी हुई थी और वो जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी, जिससे परेशान होकर रॉड उस कार के पास जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस औरत को कुछ कह सके, वो औरत एक तेज धारदार चाकू से उसे जान से मार देती है। और इसके बाद वो औरत स्टेसी को भी जान से मार देती है। लेकिन उसी रात हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक और कपल वहाँ पर इंटीमेट होने के लिए आए थे, जिसमें लड़के का नाम कैनी था और लड़की का नाम जोडी। वो लोग वहाँ पर किस कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर जोडी की मॉम आ जाती हैं, जो कि जोडी को वहाँ से लेकर चली जाती हैं। ये सब कुछ देखने के बाद कैनी को जोडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे ब्रेकअप कर वहाँ से जाने लगता है। अब मूवी के अंदर स्क्रीन शूट होती है और हम लोगों को जोडी के डैड दिखाए जाते हैं, जो कि एक्चुअली में उस शहर के शेरिफ थे। वो जोडी से कहते हैं कि तुम देर रात तक घर से बाहर क्या कर रही थी, और ऐसे ही वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं और हम लोगों को मूवी के नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रैड को जंगल में से दो डेड बॉडी मिलती हैं। ये वही डेड बॉडियाँ थी जिन्हें हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। वाइल्ड डेथ बॉडीज देखने के बाद ब्रैड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनके कॉलेज जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और इतफाक से स्कूल का प्रिंसिपल यानी कि टॉम उसके बचपन का एक फ्रेंड था। और इसके बाद प्रिंसिपल टॉम ब्रैड की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो उसे उस क्लासरूम के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बच्चे पढ़ते थे। तो अब ब्रैड बच्चों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी उनके सवालों के जवाब नहीं देता। उस रात मूवी में हम लोगों को वही किलर लेडी दिखाई जाती है, जो कि एक लड़की के घर के बाहर खड़ी हुई थी और वो वेट कर रही थी कि कब उस लड़की के घर वाले जाएं और वो उसे जान से मार दे। जैसे ही उसके घर वाले घर से बाहर जाते हैं, तो वो दरवाजे को नॉक करती है और अपना नाम लॉली सैमस बताती है। और जैसे ही वो लड़की दरवाज़ा खोलती है, तो वो किलर लेडी उसे जान से मार देती है। थोड़ी देर के बाद उस लड़की के घर वाले घर वापस आ जाते हैं, और जैसे ही वो लोग घर वापस पहुँचते हैं, तो उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि उनकी लड़की की डेथ हो चुकी थी। ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। यहाँ पर शेरिफ ब्रैड भी वहाँ पर आ जाता है, और जब वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो वो एक चीज़ नोटिस करता है, जिन भी लोगों की डेथ बॉडी मिली थी, उनकी डेथ बॉडी पर लिखा था वर्जिन, यानी कि वो सीरियल किलर सिर्फ वर्जिन लोगों को ही मार रही थी। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि शेरिफ ब्रैड एक मीटिंग अरेंज करता है, जहाँ पर सिटी के सारे पेरेंट्स अवेलेबल थे। वो सभी पेरेंट्स से कहता है कि ये सीरियल किलर सिर्फ उन्हीं बच्चों को मार रही है जो कि वर्जिन है। और ये सब कुछ सुनने के बाद वो सारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें उनके बच्चे की वर्जिनिटी लूज़ करने के लिए कह रहा है। और इस तरह हम लोगों को मूवी में दिखाया जाता है कि जोडी और उसका एक दोस्त टिमी मीटिंग में ही सारी बातों को सुन रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हम लोगों को दिखाया जाता है कि टिमी को उसके घर से एक कॉल आता है, जिसे पिक करने के लिए वो जोडी से थोड़ा दूर जाता है, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है और वो लौट कर वापस नहीं आता। अब जोडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो टिमी को ढूंढने के लिए बेसमेंट तक चली जाती है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे टिमी की डेथ बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी डर जाती है। लेकिन जैसे ही वो पलटती है, उसे मालूम पड़ता है कि वो सीरियल किलर लेडी उसी के सामने खड़ी हुई है, और वो अब उसके ऊपर भी अटैक कर देती है, लेकिन किसी न किसी तरह उससे बचकर वो वहाँ से भाग जाती है और अपने डैड के पास पहुँचती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। अब शेरिफ ब्रैड यानी कि जोडी के डैड बेसमेंट में जाते हैं और उस सीरियल किलर लेडी को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग चुकी थी। अब मूवी के अंदर स्क्रीन स्विच होती है और हम लोगों को जोडी दिखाई जाती है, जो कि पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी और उस लेडी का स्केच बनवा रही थी। अब स्केच कंप्लीट होने के बाद जोडी को घर भिजवा दिया जाता है, और शेरिफ ब्रैड प्रिंसिपल टॉम को कॉल करके कहते हैं कि जिस लड़की का स्केच मेरी बेटी ने बनवाया है, वो लॉली शर्मन की तरह दिख रही है, जो कि 27 साल पहले ही मर चुकी है। अब ये वर्जिन लोगों को क्यों मार रही है और लॉली सैमन है कौन, ये हम लोगों को वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा। खैर, हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोडी कनेक्टेड लाइन के थ्रू प्रिंसिपल टॉम और शेरिफ ब्रैड की बातें सुन लेती है, और अब वो लॉली सैमन के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी। इसके बाद वो कॉलेज की लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो उसके बारे में रिसर्च करने लगती है। वेल, वो वहाँ पर रिसर्च कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर उसको उसकी मॉम मिल जाती हैं, और वो अपनी मॉम से इस लड़की के बारे में पूछती है, तो उसकी मॉम उसे बताती है कि 27 साल पहले चार लड़कों ने लॉली नाम की लड़की के साथ ज़बरदस्ती करी थी, क्योंकि लॉली के पेरेंट्स नहीं थे, इसी वजह से उसे जस्टिस नहीं मिल सका। लेकिन फिर एक दिन लॉली अचानक से गायब हो जाती है और इसके बाद वो कभी भी नहीं मिलती।
अब इसके बाद जॉर्डी अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर वो चार लड़के हैं कौन जिन्होंने लॉली के साथ ज़बरदस्ती की थी। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उन चार लड़कों में से दो लड़के मारे जा चुके हैं और दो लड़के कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे डैड ब्रैड और प्रिंसिपल टॉम हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद उसे अपने डैड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके डैड इतने ज़्यादा घटिया इंसान हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि कॉलेज के सारे बच्चे एक पार्टी अरेंज करते हैं जहां पर वो सभी लोग इंटीमेट होंगे ताकि वो सीरियल किलर उन लोगों को ना मार सके। इसके बाद हम लोगों को मूवी में दिखाया जाता है कि शेरिफ ब्रैड प्रिंसिपल टॉम को कॉल कर रात को मिलने के लिए कहता है और जब वो रात को उसके घर जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि प्रिंसिपल टॉम की डेथ हो चुकी थी, यानी कि उस सीरियल किलर ने प्रिंसिपल टॉम को मार दिया था। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो सीरियल किलर वहीं पर खड़ी हुई थी और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से शेरिफ ब्रैड बेहोश हो जाता है। और इस तरह हम लोगों को कॉलेज की पार्टी दिखाई जाती है जहां पर सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे ताकि वो सीरियल किलर उन लोगों को ना मार सके और पुलिस वाले बाहर उन्हें सिक्योरिटी दे रहे थे ताकि वो सीरियल किलर पार्टी के अंदर ना आ सके। तो यहाँ पर हम लोगों को पार्टी में किनी भी दिखाया जाता है जो कि किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ जॉर्डी के साथ ही इंटीमेट होना चाहता था। इसके बाद मूवी में हम लोगों को जॉर्डी दिखाई जाती है जो कि प्रोफेसर मार्क के घर जा रही थी और उनके घर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि प्रोफेसर मार्क एक बॉक्स को घर के अंदर ले जा रहे थे और इसके बाद वो प्रोफेसर मार्क की उस बॉक्स को घर के अंदर ले जाने में हेल्प करती है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस बॉक्स के अंदर उसके डैड थे जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में थे, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और इसके बाद हम लोगों को ये भी मालूम पड़ता है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्क ही थे। अब इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि प्रोफेसर मार्क ब्रैड को और जॉर्डी को एक बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है और इसके बाद वो ब्रैड से पूछता है कि 27 साल पहले क्या हुआ था और यहाँ पर ब्रैड भी उसे सारी सच्चाई बता देता है। और अब शेरिफ ब्रैड प्रोफेसर मार्क से कहता है कि 27 साल पहले मैंने और मेरे तीन दोस्तों ने मिलकर एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती की थी जिसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके कोई पेरेंट्स नहीं थे जिसके बाद उसे जस्टिस नहीं मिल सका और पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। अब प्रोफेसर मार्क उसे कहता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी मॉम थी। और इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि किनी किसी तरह प्रोफेसर मार्क के घर के बाहर पहुंच जाता है और जैसे ही वो नॉक करता है तो प्रोफेसर मार्क बाहर आकर उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन वो किसी ना किसी तरह बचकर घर के अंदर पहुँच जाता है। घर के अंदर पहुंचने के बाद किन्नी को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जिसे चेक करने के लिए वो घर के बेसमेंट में जाता है जहां पर पहुंचने के बाद उसे ब्रैड और जॉर्डी वहां पर बंधे हुए दिखाई देते हैं जिन्हें फ्री करने के लिए वो उनके पास जाता है। लेकिन तभी अचानक से हम लोगों को दिखाया जाता है कि प्रोफेसर मार्क किसी ना किसी तरह घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और वो भी बेसमेंट में आ जाते हैं जहां पर पहुंचने के बाद वो शेरिफ ब्रैड को जान से मार देते हैं। और वेल ये देखने के बाद किनी और जॉर्डी काफ़ी डर जाते हैं और वो डर की वजह से वहाँ से भागने लगते हैं और वो भागते भागते कॉलेज की बिल्डिंग पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इंटीमेट हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो सीरियल किलर यानी कि प्रोफेसर मार्क भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो बच्चे को मारने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी अचानक से किनी किसी ना किसी तरह उसे विंडो से बाहर फेंक देता है जिसकी वजह से वो एक लकड़ी के ऊपर आकर गिरता है और उसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो बस हमारी आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन जिससे आप लोगों को आने वाली किसी वीडियो की अपडेट या फिर नोटिफिकेशन कभी भी मिस नहीं करनी पड़ेगी।